महिला आप कह रहे हैं कि घटनाएं तो बहुत हो रही हैं, शिकायतें उसके अनुपात में बहुत कम दर्ज की जा रही हैं, यानी समस्या बहुत गंभीर है, महिलाएं बर्दाश्त कर ले रही हैं। आप सही कह रहे हैं, महिलाओं का काफी हौसला बढ़ गया है और एक छोटी सी अगर आप पदोन्नति भी नहीं करते हैं तो वो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है जाके। हौसला इस कदर बढ़ गया है, आप अगर एक तरफा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहेंगे तो मुश्किलें अपने लिए पैदा करेंगे। जैसा कि अभी एक एमपी ने बयान दिया था, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि एक्चुअली ये सब कुछ महिला के विरुद्ध जा रहा है। इन महिलावादियों ने महिला महिला करके महिला के विरुद्ध एक तरीके से काम पूरा माहौल बना दिया है और उनको धोखा दिया है, इसीलिए वो उस चीज में खुद ट्रैप हो रहे हैं। आज हमने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि इस तरह से एक तरफा पक्षपाती कानून मत बनाइए, ये समाज के लिए घातक है और वो हमारे सामने आज चारू आप बताएं आपका क्या मानना है, आप तो महिला आयोग में हैं इसलिए निष्पक्ष भाव से कुछ आप कहेंगे। देखिए, मैं जो है अपनी परिचर्चा महिलाओं के कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न पे सीमित करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो अभी दो तीन जो घटनाएं आ रही हैं ये सारी कार्यस्थल वाली हैं। अदरवाइज यौन उत्पीड़न बहुत किस्म का है, रेप भी है, बट मैं कार्यस्थल की बात कर रही हूँ। ये दो तीन घटनाएं कार्यस्थल की नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज की है, वो भी कार्यस्थल में आता है। अगर उसने खुद कहा कि मैं उस समय जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, मैं उनसे मिलने गई थी, कार्य रिटायर्ड जज से, वो इंटर्न तो रिटायर्ड इंटर्न इज वर्किंग, जो इंटर्न है वो रिटायर्ड जज के संग, सेवानिवृत्त जज के संग काम कर रही है, तो वो कहीं भी उसे मिले थर्ड पार्टी। तो जैसे महिलाएं, आपको पता है महिलाओं शिक्षित हो रही है, महिलाओं को इतनी सारी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, तो एक इसमें संभव सी बात है कि वो अब कार्यस्थल पे आ रही हैं, वर्कफोर्स में आ रही हैं। लेकिन जो हमारी जिस तरह से हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है, पुरुषों को महिलाओं के संग काम करने की आदी नहीं है, या महिलाओं के संग इक्वल लेवल पे इंटरेक्शन करने के आदी नहीं है, तो बहुत